पाकिस्तानी महिला को भारत के लड़के से पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया, पर जब महिला भारत पहुंची, योगी सरकार की पुलिस ने कर दिया बड़ा खेला। पाकिस्तान के कराची की रहने वाली महिला ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए तय किया 1100 किलोमीटर का सफर। पाकिस्तानी महिला का भारत में घुसने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर उठने लगा सवाल। क्या पाकिस्तानी महिला का ये सच्चा प्रेम है या कहीं पाकिस्तानी महिला पाकिस्तान की जासूस तो नहीं? मोबाइल पर पबजी गेम खेलने के दौरान एक पाकिस्तानी महिला को भारतीय युवक से इस कदर प्यार हो गया कि वो उससे मिलने बॉर्डर पार करते हुए यूपी के ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। हालांकि अब महिला के इस जुनून ने उसे हवालात पहुंचा दिया है। अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी महिला को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चार बच्चों की मां सीमा हैदर को पबजी खेलते खेलते भारतीय युवक सचिन से प्यार हो गया था। पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा अपने प्रेमी सचिन से मिलने के लिए 1100 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। सीमा 13 मई को भारत पहुंची और सीधे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाने इलाके में अपनी प्रेमी सचिन के पास पहुंच गई। सचिन ने रबुपुरा इलाके के ही अम्बेडकर गांव में एक कमरा किराए पर लिया था और वहीं पर सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद सचिन सीमा को अपने घर ले आया। सीमा हैदर ने पाकिस्तानी होने को लेकर आसपास के इलाकों में सुगबुगाहट शुरू हो गई, जिसकी जानकारी पुलिस को भी हो गई। लोगों को इस बात पर शक हो रहा था कि एक महिला अपने चार बच्चों को लेकर इतने कम उम्र के युवक के साथ क्यों रह रही है। आसपास के लोगों ने सचिन से महिला के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद सचिन ने अपने पिता नेत्रपाल को पूरी सच्चाई बताई, महिला को घर लाने के लिए इजाजत मांगी। सचिन के मुताबिक नेत्रपाल महिला को बहू के रूप में अपनाने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन कोई कानूनी दिक्कत ना आए इसलिए वो वकील से बात करने पहुंच गए। बस यहीं से नोएडा पुलिस को पाकिस्तानी महिला के अवैध रूप से नोएडा में रहने की जानकारी मिल गई। इसके बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही सचिन सीमा हैदर को लेकर अंबेडकर नगर के कमरे से निकल गया और बल्लभगढ़ की तरफ भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि पुलिस ने सीमा हैदर और सचिन को बल्लभगढ़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस सीमा हैदर को जेल भेजने की तैयारी में है, लेकिन बच्चे कहां रहेंगे ये भी अभी साफ नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि सीमा के बच्चों के बारे में कोर्ट के आदेश के अनुसार काम होगा। अवैध रूप से पाकिस्तानी महिला को रखने के आरोप में पुलिस ने सचिन के पिता नेत्रपाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीमा हैदर के पास पुलिस ने एक सिम बरामद किया है जो पाकिस्तानी है। पुलिस ने मोबाइल और सिम को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इसके अलावा पुलिस को सीमा और उसके चार बच्चों का पासपोर्ट भी मिला है, जिस पर नेपाल का वीजा लगा हुआ है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर 13 मई को यूपी के ग्रेटर नोएडा में रह रही थी, जिसकी दूरी दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर है। फिर भी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में नोएडा में कई विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से रहने की जानकारी सामने आई है।